सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने ली है एक कटोरी सूजी। जिस साइज की कटोरी से हमने सूजी नापी है उसी साइज की कटोरी से हम लेंगे 3/4 कटोरी चीनी, यानी कि 3/4 कटोरी लेंगे। एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी रखेंगे। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरी कटोरी चीनी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इतने में भी आपका परफेक्ट मीठा हलवा बन के तैयार होगा। और जिस कटोरी से हमने सूजी नापी है उसी साइज की कटोरी में आधा कटोरी हम लेंगे शुद्ध देसी घी। हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़े से मेवे डालेंगे, क्योंकि हम एक कटोरी सूजी से ही हलवा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेवों की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, 8-10 दाने काजू के हैं, थोड़े से बादाम हैं। इसमें फ्लेवर के लिए हमने 6-7 इलायची ली है और थोड़ी सी किशमिश भी ली है। और अगर आप चाहें तो इस हलवे को बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, सिर्फ इलायची का पाउडर डालेंगे तब भी हलवा बहुत अच्छा बनेगा। ड्राई फ्रूट्स को आप चाहे तो काट लीजिए या चाहे तो हल्का सा दरदरा कूट लीजिए। तो मैं इसे कूट लेती हूँ, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब इसे हम हल्के हाथों से कूट लेंगे। ये देखिए काजू के करीब इस तरह के थोड़े से छोटे टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे बादाम के भी थोड़े से टूट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, मतलब हल्के हाथों से कूटा है तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़े इसके निकल गए हैं। अब एक कढ़ाई में हम सूजी को डालेंगे और इस वक्त इसमें हम घी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसे ऐसे ही सूखा भुनेंगे। सूजी को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक हम भूनेंगे। करीब 70 से 80% ये भून जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें घी डालेंगे। 5-6 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब आप देखिए कि जैसे जब सूजी हमने ली थी उससे काफ़ी उसकी रंगत बदल चुकी है। थोड़ा सा और भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। इतना भूनने के बाद इसमें घी डालना है। शुरू में भी घी डाल सकते हैं, लेकिन सूजी को अच्छी तरह से इवनली अगर भूनना है तो घी बाद में डालिए। एक एक इसका दाना अच्छे से भून जाता है और खिला खिला बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए इसकी रंगत काफ़ी चेंज हो चुकी है, लाइट ब्राउन इसकी रंगत आ चुकी है। अब आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है मैंने और इसमें मैं डालूंगी घी। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ा और भूनेंगे। घी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर इसे मैंने और भून लिया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, तो मैं अभी इसमें सिर्फ काजू और बादाम डाल रही हूँ, किशमिश बाद में डालूंगी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भून जाती है। तो 2-3 मिनट तक इसको काजू बादाम के साथ मीडियम आँच पर थोड़ा सा भून लेते हैं। काजू बादाम तो भून चुके हैं 2-3 मिनट में, अब इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ और किशमिश के साथ भी बस 1-1.5 मिनट ही हमें और भूनना होगा, क्योंकि किशमिश जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी भून जाती है, जल जाती है। और किशमिश जब भून जाती है आप देखिए इस तरह से फूल जाती है, तो किशमिश भी भून चुकी है। सूजी बहुत अच्छे से भून चुकी है, सारे मेवे भून चुके हैं। आप सूजी का कलर देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और चीनी डाल के हमें भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी का हिसाब ये रहेगा कि जिस कटोरी से सूजी नापी थी उसी कटोरी में भर के 4 कटोरी आप पानी डाल दीजिए। अगर बारीक सूजी है तो थोड़ा सा पानी कम डाल दीजिए, करीब 3.5 कटोरी के करीब। अदरवाइज़ आप 4 कटोरी भर के पानी डालिए, बहुत बढ़िया परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा। देख सकते हैं आपकी सूजी पानी में पक रही है और इस वक्त थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत थिक है और इस तरह से उछलता है। तो आप हाथ बचा कर इसे चलाएं। आंच को थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाऊंगी मैं। हलवे का पानी ज़्यादातर सूख चुका है आप देख सकते हैं, तो अब इलायची का पाउडर डालेंगे। जो इलायची हमने ली थी उसे कूट के उसका पाउडर कर लिया था, उसे मैंने डाल दिया। और इलायची को बाद में डालना अच्छा रहता है, उससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब आप देख सकते हैं कि हलवा लगभग तैयार हो चुका है, इसका पानी पूरा सूख चुका है। तो अब एक मेरी खास टिप है जो मैं देना चाहूँगी, आंच को बिल्कुल धीमी कर दें और हलवे को 2 मिनट के लिए ढक दें।
इससे क्या होगा कि सूजी के जो एक-एक रवे हैं वो बिल्कुल खिल जाएंगे और हलवा बहुत बढ़िया एकदम खिला-खिला बनेगा। तो बिल्कुल धीमी करें, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल धीमी आंच पे बस 2 मिनट घड़ी देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं ये ढक्कन खोल रही हूँ और हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए आप कितना बढ़िया रवीला है ये हलवा, एकदम खिला खिला और परफेक्ट भुना हुआ बहुत ही बढ़िया हलवा बना है। बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म हलवे को सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बगल में जो बेल आइकन यानी कि घंटी है उसे जरूर हिट करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। एक बार फिर मिलेंगे, नमस्कार।